बिना पूछो रजा ने हमें क्या दिया, डाल दे कल्ब में। हिंदू धर्म की एक बाल भारती छोटी सी पुस्तक है जिसके अंदर ये मंत्र लिखा हुआ है, यतो धर्म ततो जया नाशी सत्ये परो धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाय परपि धनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसमें साफ यह स्पष्ट लिखा हुआ है यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्ये परु धर्मा, कि झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यतियम, इंसान के काम काज का फल जो है ना उसके नेत नेति के ऊपर डिपेंड करता है। धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धार्मी लोग होते हैं ना वही अपने धर्म की रक्षा करते हैं, जो अधर्मी होगा ना वो कभी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कभी नहीं हंसे हो जीवन में, कभी भी नहीं हंसे हो, हंस लो, वो यही हंसने के लिए समियाना, ये लाइट, ये माइक, ये सारे एहतमाम किए गए हैं। इन लोगों ने एक दूसरे से मदद लेकर के जलसा कॉन्फ्रेंस किए हैं, और आपके इस समाज में कई कास्ट और बिरादरी के लोग और हिंदू समाज के लोग भी बैठे हैं, वो कितनी शांत पूर्वक और शांत होकर के बैठे हैं, और ये आपका संस्कार है। और हम यकीन के साथ कहते हैं कि आप मुसलमान मत बनो। जो लोग मुसलमान है ना वो आज यतियाचारी और भ्रष्टाचारी के दलदल में फंसे हुए हैं, और जो मोमिन मुसलमान है ना वो सीना ठोक करके आज भी मैदान में बैठा हुआ है। तो नाम के और गोश्त खाने वाला मुसलमान नहीं बनिए। और आप लोग भाईजान जो है ना, भाईजान प्लीज, आए पीला कुर्ता वाले भाई साहब, अगर आपको दया माया है, इस जलसे से प्यार है, तो इसके अखाड़े में आओ, और नहीं तो आप लोग हमारी नजर से दूर हो जाओ। आप वहां देखिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इसकी बेहुरमती बेअजमती जो आप करेंगे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अंदर आना है तो आओ, अंदर आना है तो आओ, बाहर कोई नहीं बैठ सकता है, नहीं तो नजर से दूर हो जाओ आप। अब सब आदमी कहिए आने के लिए। ए भाई साहब, रे बैठो ना भाई, देखिए उस पर कोई नहीं बैठेगा, जिसको बैठना है यहां सामने आए फरोन पर, उस पर के वो जलसे के एरिया से वो बाहर का हिस्सा है। वो कब के लिए था, जब यहां जगह न होता तब, जब यहां जगह खाली है तो आप यहां सामने बैठिए। जब आप जलसा करोगे ना, लोग आपके यहां मुंतशिर होंगे, लोग भाग जाएंगे, तब आपको एहसास होगा और मलाल होगा। इसमें आपने पूंजी नहीं लगाया है, फाइनेंस नहीं किया है, ये आपका गांव नहीं है, ये आपका इलाका जरूर है, आप मदद किए होंगे या नहीं किए होंगे वो आपका आत्मा जानता है, लेकिन मैं तो इतना जरूर जानता हूं कि मत जियो पीपल के उस पत्ते की तरह, मत जियो पीपल के उस पत्ते की तरह जो पतझड़ के मौसम में झड़ करके जमीन पर गिर जाता है। जीना है तो जियो उस मेहंदी की तरह जो खुद तो पत्थर से घिस जाता है लेकिन दूसरे के हाथ को लाले लाल कर देता है। और मैं जो कहूंगा सत कहूंगा, सत के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और ये कोई मीडिया और चैनल की बात नहीं और हवाई फायरिंग में नहीं करता, मैं किताब पढ़ करके देख करके मैं अर्ज कर रहा हूं, और मैं पूल जिम्मेदारी के साथ और डंके के चोट पे कहता हूं कि जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह, जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह जो पर्वत के ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपने सुंदरता को खोने नहीं देता। मरना है तो मरो उस इंसान की तरह
जिसको दफनाने के बावजूद उनके बीते हुए पल आपको भूलने नहीं देता। भाईजान, जब अल्लाह की धरती पर घर बनाकर रह रहे हैं ना, तो आप वो काम कर जाइए, जब आपके गांव के लोग आपको कब्रिस्तान में दफना दें, तो आप वो काम करके जाइए कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहें और आपके कब्र पर खड़े होकर दो आयत कुरान की तिलावत करें। ए भाई, क्यों बात कर रहे हो भाई? आप जैसे इंसान बैठता है ना, वैसे बैठो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दाद दीजिए, सुभान अल्लाह कहिए, आपको मन हो तो कहना या न कहना, लेकिन हमें अपने आप पर इतना पूर्ण यकीन है कि जिसका जमीर जिंदा होगा, जो कभी हराम का नहीं खाया होगा, जो हलाल खाया होगा, वो खुद ब खुद नबी के इश्क में बोलेगा। दीपक बोलता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बारे में कुछ न बोलो, आप अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी, उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं अगर ये कहूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये आत्मविश्वास है, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये अहंकार है। लेकिन याद रखो, रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। मैं ये दो हाथ से, एक हाथ से इतने लोगों से मैं नहीं जीत सकता, लेकिन ये दो हाथ जोड़कर मैं आप लोगों का दिल जरूर जीत सकता हूं। और मैं साफ कह रहा हूं, कभी भी भविष्य में किसी को खुश करने का मौका मिले तो मत चुकना है मेरे दोस्त। वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों कि श्रद्धा जान देती है, निम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह सम्मान देती है। आज मैं अभी रघुकुल दिवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नबी के जन्म स्थली पावन पुत्र मक्का की दर्शन कथा प्रस्तुत करने का मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं, तो आप सभी लोग अपने मन को एकाग्रचित करके अपने मन के भाव से बैठिए और नबी की प्रेम सागर में डूब के खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे तो आपका ये मुल्क हिंदुस्तान शूर वीरों के वीरता एवं सत्य के सतता, देवी देवताओं के चमत्कार और बुजुर्गाने दीन की करामत से ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में शबाना रोज की तरह रोशन है। और इस मिट्टी में चमकने की, महकने की, दमकने की, खनकने की, संघार करने की ताकत और कुवत और जुर्रत और मजाल है, तो ये किसी और की दर की भीख नहीं है, बल्कि मेरे खाजा की दर की करामत है, मेरे गौस की दर की करामत है। और मैं साफ कहता हूं, आप किसी की मर्जी पे मत चलो, आप वेदांत की मर्जी पे चलो, आप इंजील की मर्जी पे चलो, आप कुरान की मर्जी पर चलो, आप अपने नबी के बताए हुए अंतर्गत और उसी के इच्छा के अनुकूल आप अपने आप के समर्पित कर कर के चलो, इसी में आपकी भलाई है और अच्छाई है। और मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल साफ स्पष्ट कहना चाहता हूं, चरित्र निर्माण करना हो या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो या अपनी मनसिता पे पवित्रता का समावेश करना हो या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित सुरक्षित रखना हो, तो उसके लिए धर्म चाहिए और धर्म के लिए कर्म का होना बेहद जरूरी है। इसलिए कि तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं, तर्क से ख्याल बदले जा सकते हैं, आस्था नहीं, तर्क से दिमाग बदले जा सकते हैं, प्रेम नहीं। आज यहां पर हमारे हिंदू समाज के भी सज्जन किस्म के सुलझे हुए बुद्धिमान लोग बैठे हैं, इनके दिमाग को वाश और विभिन्न प्रकार की बात तो कोई और लाख भर दे,
लेकिन आपसे जो इनका नाता एक प्रेम का बना हुआ है उसको कोई माई का लाल बिगाड़ नहीं सकता है। और जिस समाज में, जिस गांव में, जिस बस्ती में इस तरह के भोले भाले अच्छे सुलझे हुए इंसान मनुष्य यदि उस गांव में है तो उस गांव में कभी भी हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद और बोलबाला नहीं हो सकता है। यदि अगर वहां पे बोलबाला होगा तो सिर्फ इंसान का होगा। आप चाहते हैं कि हम कुछ कहें? देखिए, सर नहीं हिलाइए। सर हिलाना हमारी तकरीर के पीरियड में एक ऐब है, समझिए कि आप जुर्म कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने मुंह में जबान दी एक अलग है। हम इतना जरूर जानते हैं भाईजान आप लोगों के प्रति कि विद्वान तो सब हो सकते हैं, बुद्धिमान सब नहीं हो सकते हैं। और अल्लाह ताला ने आपके उन बुद्धिमानों में से आपको इस जलसे में एक शुमार करता है, हम जानते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जलसा जुलूस, ये मिलाद, ये हमारा सामाजिक सर्जक नहीं है, ये हमारा धार्मिक आस्था का सर्जक है जिसमें आप अब सहयोग कर रहे हैं। समय देख करके रात में आप यहाँ पर बैठे हैं, कुछ दान प्रदान भी करते हैं, तो इसका फल यकीनन आपको प्राप्त होगा। आपका जो ये इखलाक है, किरदार है, हुस्न जन है ना, ये वाकई बहुत ही बड़कपन है आपके अंदर। अल्लाह ताला इस जलसे में जितने लोग बैठे हैं उनके जो नेक मुराद है मौला उसे पूरा करते। और आज का ये अवसर फसीहुद्दीन भाई हम सबों के लिए बहुत ही सुखद सहयोग है। और ये सुखद सहयोग इसलिए भी है कि इस भारत देश के इतने बड़े सूबे में ये नाथ नगर बस्ती में जो जलसा हो रहा है, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जिसकी सदारत या सरपरस्ती कहिए औलादे रसूल कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो धर्म के भी प्रतिनिधि हैं और कर्म के भी प्रतिनिधि हैं। और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं भाईजान, आपका जो ये देश है ना, भारत देश, ये ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। और जो देश धर्म से अनुप्राणित होता है वो देश कभी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, और इसलिए भी नहीं हो सकता, और इसलिए भी नहीं हो सकता कि इस देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय के एबलम पर यह लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जयः। बात समझ रहे हैं? न्यायालय के एबलम पर यह लिखा हुआ हजरत कि यतो धर्मस्ततो जयः। तो इस भारत देश के और प्रदेश के इतने बड़े सूबे में यदि अगर हमको नेपाल से यहां आकर धर्म के प्रति सेवा करने का सर्वोच्च पद से कर्म करने का मौका मिले और जहां पर धर्म अनुशासक हो, तो निश्चित रूप से धर्म के प्रति योग जो है हम सबों का अच्छा बनता है, ऊंचे पद पर ले जाने का सहयोग जो है अच्छा बनता है। तो आज हम लोग भाईजान बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग किसी और की याद में नहीं, रसूल पाक की याद में बैठे हुए हैं, है नहीं? और एक चीज आपको हम बता देते हैं, अगर कोई कलाकार है, आपने देखा होगा कोई मदारी खेल दिखाता है, उसके कला से इंसान को फिदा होता है, उसके प्रति माइल हो जाता है और ताली बजा देता है तो उसका हौसला बुलंद होता है, होता है कि नहीं होता है? सर क्यों हिला रहे हैं? मैंने मना कर दिया है, सर हिलाना नहीं है, जबान से बोलना है। अगर आपको लगे कि दम है, सदाकत है, बात में है कुछ गहराई, तो आपको हाल आ जाना चाहिए था, वज्द में आ जाए। अन्ना आप आते हैं तो थोड़ा सा दाद दे दीजिए ताकि हौसला जो है ना मेरा बुलंद हो जाए। वो जो सो रहा है ना उसको जगा दो, कल यही हल्ला करेगा, चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। एक राजा तो भाईजान, क्या नाम हुआ आपका? सुवर्मा जी। एक राजा था, राजा ने अपने वजीर से कहा कि कभी भी तुमको मैं कभी किसी काम का आदेश, उपदेश, निर्देश दूं तो साथ में दो काम करना। राजा कहा कि भाई साहब एक समय दो काम कैसे हो सकता है? कहा कि सुन, जैसे ही मैं तुमको कहूंगा चाय लाओ तो साथ में पान भी लाना, कहूंगा खाना लाओ तो पानी भी लाना। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक रोज राजा की हो गई तबीयत खराब, तब राजा ने अपने वजीर से कहा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ डॉक्टर बुला कर लाओ। तो वजीर करता किया है, डॉक्टर बुलाने के लिए गया
तो उधर से कब्र खोदने वाले को भी साथ में लेके आ गया। राजा बीमार था, बिस्तरे पर लेटा हुआ था, कब्र खोदने वाला जो है अपने कंधे पे कुदाल उदाल लेकर के पहुंचा, तो राजा जो है हैरान हो गया, कहा अपने वजीर से, भाई ये कौन है? कहा महाराज यही ना कब्र खोदने वाला है। कहा इसको लेकर तुम क्यों आए हैं? तो कहा महाराज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, है नहीं, दवा खाने से यदि अगर आप शिफा नहीं पाएंगे तो आपका देहांत न हो जाएगा, मृत्यु न हो जाएगा, आप मर न जाइएगा, तो पहचान लीजिए यही आपका कब्र खोदेगा। तो ये सब बात कोई कहने के नहीं है, लेकिन आपके जहन को साफ करके मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र इस जलसे के नकीब हजरत अल्लामा फसीहुद्दीन जलाली साहब हैं, ये ऐसे नकीब हैं जो शेर शायरी की दुनिया से अपनी गायकी से ऐसा भक्ति और प्रीति का ये माहौल बांधते हैं जिससे पक्ष हो या विपक्ष, सभी पक्षों को बड़े ही मार्गमिंग ढंग से मोह करके ये मित्रों में तब्दील करने वाले व्यक्ति हैं। इतने बड़े नकीब है आज हिंदुस्तान में, मुतअद्दिद जलसों में, मुतअद्दिद स्टोर्स के इन्होंने अपने कदम से रोंध दिया है। दुआ है परवरदिगार के बारगाह में कि मौला इनके आवाज अंदाज में और मजीद मौला तू तरक्की दे दे, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। अब आपको यकीन है कि आप दुरूद पढ़ते हैं तो मुस्तफा सुनते हैं, तो जी लगा करके दुरूद पाक पढ़िए, पढ़िए दुरूद पाक।